हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोनी क्रिएटर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बस। ये इसका साइड व्यू का ब्लूप्रिंट है। ये 7.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है पीछे से, 8 सेंटीमीटर इसकी आगे से हाइट है, 26 सेंटीमीटर ये लंबा है और 28 सेंटीमीटर ये नीचे से लंबा है। इसकी ये विंडो है और ये ड्राइवर सीट के पास वाली विंडो है। इनकी भी आपको साइजेस गिवन है। ये इसकी डिटेलिंग है जो हम डिजाइन फाइनलाइज करेंगे इसमें, और ये हमें काटने हैं और यहाँ पे टायर्स फिट होंगे। तो अब हम इसे काट लेते हैं और काटने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। टायर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो तरह के टायर्स लिए हैं, एक है जो 2.5 सेंटीमीटर का सिंपल टायर है और दूसरा है जो कंसेंट्रिक टायर्स है, जिसमें एक 1.5 सेंटीमीटर का है और एक 2.5 सेंटीमीटर का है। आप इन्हें कट कर लीजिए और ये पोलो टायर्स हमारे टायर्स बनाने में ज्यादा काम आएंगे। अब हमने 9 पोलो टायर्स दिए हैं और 3 नॉर्मल टायर्स और बनाए हैं। इसमें से हमने 3 होलो टायर को चिपकाया है फेविकॉल या फिर आप कोई भी यूज कर सकते हैं ग्लू, और उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड स्ट्रिप रैप की है अंदर और बाहर दोनों तरफ। अब इस टायर के अंदर के डिजाइन के लिए हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें एक अंदर वाला है 1 सेंटीमीटर का और बाहर वाला है 1.5 सेंटीमीटर का। अब हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इस सेंटर के पास से, और हम ऐसे ही एक प्लस और एक क्रॉस बनाएंगे इसके अंदर। और अब हमें इन स्क्वायर लाइंस को कट कर लेंगे। तो कटने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और जो हमने उस डिस्क से निकाला था जो पीस, उसको और इसको हम जोड़ देंगे, इसको थोड़ा फोल्ड करके, और हम किसी भी गम से जोड़ देंगे। फेविकॉल होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, एक कैप की तरह। और इसे हम जो हमने टायर बनाया था 3 सर्कल्स को जोड़ के, इसमें हम ये इसे डाल देंगे। तो हमारा फ्रंट टायर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे पीछे के टायर्स। पीछे के टायर्स के लिए हम 2 सर्कल्स लेंगे, ये जो होलो है, और इनकी दोनों रिंग्स भी लेंगे और 2 ये सिंपल सर्कल्स लेंगे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को, इनके बीच में ये वाला रिंग आएगा, इसके अंदर ये रिंग फिट होगा और फिर हमारे टायर्स तैयार हो जाएंगे। और ये बनने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे। तो अब हमने अपने पीसेस काट लिए हैं और इसे एक 9 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड पीस से चिपका दिया है। तो हम इसके बाकी बॉडी पार्ट्स लगाएंगे। तो एक हमने रेक्टेंगल पीस लिया है 9.7 सेंटीमीटर ब्रेथ का और 21 सेंटीमीटर लेंथ का। इसे हम जोड़ेंगे और यहाँ से हमने इसे थोड़ा फोल्ड किया है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और हम इसे कुछ ऐसे जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे एक स्लोप जैसा बने। और इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा ऊंचा रखने के लिए एक और पीस लिया है, रेक्टेंगल पीस 9.7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। इसे भी हम यहाँ लगाएंगे। और पीछे के लिए हमने 10.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड पीस लिया है और इसे 1.5 सेंटीमीटर पे फोल्ड किया है दोनों तरफ से। और आगे के लिए हम इसमें एक 10.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड पीस लेंगे जो नीचे लगेगा, और एक 10.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का लेंगे। इसे भी हमने 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दोनों कॉर्नर से फोल्ड किया है, और हम इन्हें सबको चिपकाएंगे और फिर पेंट करेंगे। कि आप देख रहे हैं हमारी बस की बॉडी तैयार हो चुकी है बनके। अब हम इसके कॉर्नर्स को हमने काट लिया है थोड़ा थोड़ा, अब हम इसमें ग्लू गन डालेंगे ताकि इसको स्लोप लाइक स्ट्रक्चर मिले, इसकी जो साइड्स है वो थोड़ी कर्व शेप में आ जाए। अब जो हमारी एक्स्ट्रा ग्लू था
उसको हम सोल्डरिंग आयरन से हटा रहे हैं और इसको सारा मेल्ट कर रहे हैं ढंग से ताकि इसके अंदर जम जाए अच्छे से। अब हम इसको पेंट करने जा रहे हैं। पेंट करने के लिए पहले हम इसके ऊपर वाइट पेपर लगाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले वाइट पेपर लगाए थे वो अब सूख चुके हैं और इसे लगाने के बाद हमारी बॉडी और स्ट्रांग हो चुकी है। अब पहले के मेजरमेंट्स के हिसाब से हमने सारी विंडोज काट ली है। ये है साइड की विंडोज, ऐसे ही हमने दूसरी साइड की विंडोज बना दी है। आगे के मिरर के लिए हमने ये डिजाइन चूज किया है और ऐसे ही हमने पीछे तो मिरर का डिजाइन अलग लिया है। और मिरर्स के बाद हमने लाइट्स के लिए कुछ होल्स बनाए हैं। एक है हमारे पीछे के टायर के जस्ट अबव, दोनों साइड में है ये, और आगे है दो होल्स। आगे वाले होल्स के लिए हमने एक डिजाइन बनाया है यहाँ पे। आप अपनी पसंद का डिजाइन चूज कर सकते हैं। ये दोनों होल्स के लिए सेम ही है। तो अब हमने इसे पेंट कर दिया है और जो मिरर्स हमने काटे थे वो हमने लगा दिए हैं और जो डिटेलिंग हम ब्लू प्रिंट में बनाई थी वही हमने बना दी है मार्कर से, और ब्लैक पीसेस और येलो पीसेस काट के हमने लगा दिए हैं सर्कल से। जैसे ये पीछे की लाइट्स है और ये नंबर प्लेट है, और ये आगे की लाइट्स, और ये वॉल्वो का साइन है। आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं किसी भी कलर का। अब हमने इसके टायर्स जो हमने पहले बनाए थे उनको भी पेंट कर लिया है। ये दो बैक टायर्स और ये दो फ्रंट टायर्स। दो रियर व्यू मिरर्स भी हमने तैयार किए हैं। इसके लिए हमने पहले कुछ ऐसा पीस काटा है और उसको एक पेपर पाइप बना के उसके अंदर डाल दिया है। ये कुछ ऐसे लगेंगे दोनों तरफ से ऐसे। अब इसके नीचे के बेस के लिए हमने बस को पेपर कार्डबोर्ड शीट पे रख के इसका एक डिजाइन काट लिया है और इसी के अंदर हम टायर्स फिट करेंगे। टायर्स आप किसी भी स्टिक से फिट कर सकते हैं ऐसे, और आप इनको इसके अंदर से पास करके हम टायर्स को फिट कर देंगे। ये स्पेस इसमें सेल होल्डर के लिए है और ये दोनों स्विचेस के लिए हैं। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बस अब तैयार हो चुकी है। हमने इसके टायर लगा दिए हैं और हमने रियर व्यू मिरर्स भी लगा दिए हैं और ये पूरी तैयार हो चुकी है। हम इसके लाइट्स चला के दिखाते हो आपको। ये है साइड की लाइट्स का और ये हमारी फ्रंट लाइट्स। तो हमने इसका नीचे का पार्ट भी लगा दिया है। इसके अंदर हमने टायर जैसे आपको बताया तो वैसे लगा दिए हैं। ये हमारा सेल होल्डर है, इसके अंदर सेल्स डाले हुए हैं। और ये जो बटन है ये है हमारी साइड लाइट्स का, और ये बटन है फ्रंट लाइट्स।